अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आयशा उजीर द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश पकोड़े की रेसिपी। ये फ़िश पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी बनकर तैयार होंगे, तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 1 kg फ़िश ली है, आप यहाँ पर बोनलेस फ़िश भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से वॉश कर लेने के बाद ड्राई कर लेंगे। अब फ़िश को हम मेरीनेट कर लेंगे, तो ऐड करेंगे 1 लेमन जूस, 1 से 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसके बाद ऐड कर लेंगे कुछ स्पाइसेस, 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स। आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 टेबल स्पून बेसन, 1 टेबल स्पून में यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ही सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। अब पकौड़ों को क्रिस्प बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे राइस फ्लोर या फिर आप कॉर्न फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 2 pinch रेड फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद 30 मिनट हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। अब फिश को हम फ्राई करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑयल को हीट कर लिया है हाई फ्लेम पर। अब फिश के पीसेस को हम एक एक करके ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। पीसेस को ऑयल में ड्रॉप करने के बाद हम स्पून की हेल्प से ऐसे ऑयल को इनके ऊपर डालते जाएंगे, जिससे ये सेट हो जाएं और अच्छी तरह से कुक हो जाएं। पीसेस को ऐड करने के बाद हमें फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है और ऐसे ही हमें इनको फ्राई करना है। तो जैसे ही ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्प हो जाएं, तब हमें इनको दूसरी साइड से टर्न आउट कर लेना है। फ़िश को कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत इजीली और कम टाइम में कुक हो जाती हैं। ये फ़िश पकोड़ा अंदर से बहुत जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये फ़िश पकोड़ा की रेसिपी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब जैसे ही फ़िश पकोड़े अच्छे से क्रिस्प ब्राउन हो जाएँ, तो हम इनको एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितने ज़बरदस्त बनके तैयार हुए हैं। इनका लुक भी बहुत औज़म आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार हुए हैं। बाकी सभी पीसीज को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। इसको सर्व कर लेंगे हम ग्रीन चटनी के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो। See you in my next video. Allah Hafiz.